Hello friends, and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. And today we will discuss on the topic best books for DBT JRF. अगर आप लोग DBT JRF एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने जो पहली जो वीडियो बनाई है वो मैंने DBT JRF को छोड़ के और सभी मैंने जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हमारे होते हैं उन सभी पे मैंने बनाई है. बट ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये आपकी रिक्वेस्ट पे मैं बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि DBT JRF भी एक इम्पोर्टेंट एग्जाम है बायोलॉजिकल डोमेन का. तो फ्रेंड्स अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं DBT JRF की तो ये सभी बुक्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया. तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज हम लोग उन बुक्स के राइटर के बारे में यहाँ पे देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं अपने फर्स्ट सब्जेक्ट को. तो फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी. इसके जो राइटर है वो है हेमंत रावत, ये आप लोग प्रेफर कर सकते हैं ये बुक. सेकेंड जो हमारा है वो हमारा सब्जेक्ट एनिमल बायोटेक्नोलॉजी. इसके जो राइटर है वो हमारे बी सिंह है, ये आप लोग बी सिंह की ले सकते हैं बुक. थर्ड जो हमारी बुक है वो हमारा बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, ये आप लोग पीएम डॉरॉन की आप लोग ये बुक ले सकते हैं. और फोर्थ जो हमारी बुक है वो हमारी बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कॉम्पिटिशनल बायोलॉजी, ये आप लोग अर्थर एम लेस्क हमारे ये राइटर है इनकी ये बुक ले सकते हैं. जो हमारी फिफ्थ बुक है वो हमारी एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, ये आप लोग ले सकते हैं टी आर श्रीनिवास की, आप लोग ये बुक प्रिफर कर सकते हैं. सिक्स जो हमारी बुक है हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा मरीन बायोटेक्नोलॉजी, आप लोग स्प्रिंगर की ले सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारा है ये हमारा है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी. मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी आप जो है ले सकते हैं बर्नर्ड आर ग्लिक, ये इसके राइटर हैं, ये इन राइटर की आप लोग ये बुक ले सकते हैं. हमारा जो एट सब्जेक्ट है वो है हमारा न्यूरोसाइंस. न्यूरोसाइंस जो है आप लोग ले सकते हैं ए साइगल की आप लोग ये बुक ले सकते हैं. और जो हमारा नाइन्थ सब्जेक्ट है वो हमारा फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी. फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी जो आप लोग बुक ले सकते हैं वो है हमारे ग्रे वेल्स, इनकी आप ये बुक ले सकते हैं, ये राइटर है हमारे. जो हमारा टेंथ सब्जेक्ट है वो है हमारा बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो ये आप लोग लैरेंजर की बुक ले सकते हैं. बायोकेमिस्ट्री की बुक लैरेंजर की आती है, ये बुक आप लोग ले सकते हैं लैरेंजर की, ठीक है. यहाँ से आपका बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है. चाहे वो आपका कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो, प्रोटीन हो, ठीक है, आपका न्यूक्लिक एसिड हो, सभी आप लोग यहाँ से स्टडी कर सकते हैं लैरेंजर की बुक से. और अदर और भी आपको बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे लैरेंजर की बुक में आप लोगों को मिल जाएंगे. तो फ्रेंड्स अब हम लोग अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, वो हमारा 11th सब्जेक्ट हमारा 11. तो ये हमारा 11 मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी, तो ये आप लोग ले सकते हैं विल्सन एंड वॉकर की, आप लोग ये बुक प्रेफर कर सकते हैं. अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे सब्जेक्ट पे चलते हैं, सॉरी ये हमारा 12th सब्जेक्ट है, ये हमारा सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी आप लोग ब्रूसी एल्बर्ट्स की आप लोग ये बुक ले सकते हैं, ब्रूसी एल्बर्ट के नाम से आती है ये बुक. जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो हमारा आरडीटी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप लोग पीए ब्राउन की ले सकते हैं. जेनेटिक्स जो है आप लोग डीएस फोल कोनर की आप लोग ये बुक ले सकते हैं. और जो हमारा जीनोमिक्स एंड प्रोटोमिक्स है ये आप लोग संगीता राइटर की आप लोग ये बुक ले सकते हैं. और जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा लास्ट हमारा जो सब्जेक्ट है 16th सब्जेक्ट हमारा वो है आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड बायोसेफ्टी, ये आप लोग ले सकते हैं. सो मेनी प्रासर की आप लोग ये बुक प्रिफर कर सकते हैं. तो ये हमारी यहाँ पे कुछ जैसे आप लोग देख सकते हैं कुछ यहाँ पे हमारी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, इन बुक्स को आप लोग स्टडी कर सकते हैं. और आई होप कि आपका जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो बहुत अच्छी होगी, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होने की वजह से जो आपका रिजल्ट होगा वो भी अच्छा होगा. फ्रेंड्स मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं, और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई. आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों को ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फ्रेंड्स.